नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की ओर आप देख रहे चलते चलते। चलते चलते मैं आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, भारत का एक मॉडरेट मुस्लिम का चेहरे के तौर पर अपने आप को पेश करने वाले सलमान खुर्शीद जी है। आपका स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मॉडरेट इसलिए कहा क्योंकि कल रक्षाबंधन पर आप तीन बहनों से मुझे आप मेरा झगड़ा नहीं कराओ। हाँ, तीन बहनों से राखी बांधने गए थे। आपका घर अपने आप में, पत्नी क्रिश्चियन है, दो बहनें हिंदुओं की है, एक बहन सिया को है, आप खुद सुन्नी हैं और सब इंसान हैं। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। इंसान तो है ही, चारों तरफ इंसानी है। ये तो अपने अपने लेबल लगा के हम लोग अलग अलग दुकानें खोल लें तो दूसरी बात है। हाँ। नहीं तो हर जगह इंसानियत ही रहे, इंसानियत ही मिले। नहीं, लेकिन दुर्भाग्य होता क्या है कि रक्षाबंधन के दिन तो आप ऐसे मॉडरेट बन जाते हैं, लेकिन बाकी समय में तो राजनेता है ना, तो फिर दुकान तो आपकी भी है। आपको भी लगता है शटर 24 घंटे खुला रहना चाहिए, हफ्ते का कोई दिन बंद नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आने चाहिए, और इसके लिए जरूरत पड़े तो पाकिस्तान से हमदर्दी भी दिखानी चाहिए। मानते हैं, दुकान आपकी भी है, आप भी दुकान करते हो, आप भी देखते हो कि किसमें फायदा किसमें नुकसान है, टीआरपी किसमें है, आप भी करते हो। लेकिन उसके लिए हम पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं दिखाते। कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान पे जंग करो, हम आपके साथ हैं, हम साथ चलेंगे। बयान नहीं देने देते तो जंग देने की क्या बात है? बयान आप दो ना, बयान कौन कर रहा है? आप तो बयान भी नहीं दे रहे, बलूचिस्तान पर मोदी को बोलने नहीं दे रहे। आप बात सुनिए, अगर कोई बेवकूफी की बात करता है तो उसको यहाँ भी मना करूंगा, लाल किले में भी मना करूंगा। प्राइम मिनिस्टर कोई बेवकूफ नहीं है, ऐसा हम चाहते हैं। मतलब आप कांग्रेस श्रीलंका में हिंदुओं के खिलाफ सेना भेजे चलता है, मालदीव में कमांडो भेजे चलता है, लेकिन बलूचिस्तान पर मोदी सेना भेजना तो दूर बोल भी नहीं सकते। चलिए अच्छा है, आप जैसा वकील मिल जाए मोदी को तो मोदी दो दिन में खत्म हो जाएगा। वकील तो आप हैं। बता रहा हूँ क्यों। क्यों गए थे श्रीलंका? वहाँ के राष्ट्रपति ने बुलाया था। क्यों गए थे मालदीव? वहाँ के राष्ट्रपति ने बुलाया था। क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति हमें बुला रहे हैं क्या? पाकिस्तान क्यों बुलाएगा? तो फिर ये बलूचिस्तान पे पाकिस्तान कैसे बुलाएगा? तो सुनिए ना, बलूचिस्तान नहीं बुलाएगा तो तुर्कमेनिस्तान के में चले जाइए, वहाँ भी कोई सारे बलूच बुला रहे, दुनिया भर के बलूच मोदी की तरफ आशा देकर राखी भेज रहे, बोल रहे हैं, वहाँ का हर व्यक्ति मोदी का नारा दे रहा है। अरे ये खेल नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है। ये खेल नहीं है कि यहाँ पर खड़े होके और छाती ठोकी और कह दिया कुछ, ऐसा नहीं है। अभी जब ये जाएंगे, यूएन जाएंगे, और तब इनको सब पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर किसको क्या जवाब देना पड़ेगा, और वहाँ भारत की जो छवि है कि हम पूरे विश्व में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और भारत कभी किसी में दूसरे देश में दखल नहीं देता। भारत की शिकायत ये थी कि हमारे देश में आकर पाकिस्तान दखल देता है, आज उसको हमने हमेशा हमेशा के लिए बात को समाप्त कर दिया। कैसे बोल रहे हैं आप इतने वरिष्ठ नेता है। हिंदुस्तान में विदेश नीति पे पाकिस्तान पे दो डॉक्ट्रिन चलती है। एक गुजराल की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान खुशहाल रहेगा तो हम खुशहाल रहेंगे, दूसरी इंदिरा गांधी की है कि पाकिस्तान पे हमला करो, वार करो, पाकिस्तान स्टेबल रहेगा, हमारे पास झुका रहेगा। आप तो कांग्रेसी होकर भी इंदिरा जी के डॉक्ट्रिन पे नहीं चल रहे। कांग्रेस छोड़िए, इंदिरा जी को छोड़िए, अपनी बात कर लीजिए, आप वार कर दीजिए, कल हम आपके साथ है, करिए। बयान नहीं दे पा रहे हैं। दे दीजिए बयान और वार कर दीजिए, आज बयान दीजिए, कल वार कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। खैर हम आपके साथ हैं, डर क्यों गए? अब डरने की बात है। और आपको काउंट करके हमला नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ, आप टाइम बताओ, हम वहाँ खड़े रहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। जब कुलदीप नायर जी गए थे तो सिर्फ मोमबत्तियां लेकर वो सरहद तक गए थे, सीमा तक गए थे, हम आपके साथ सीमा के पार चलेंगे, चलिए चलते हैं। आप तो मणिशंकर अय्यर के साथ साथ जाते हैं कहीं ना, वहाँ जाके बोलते हैं कि मोदी को हटाना है, हटाइए, हमको लाइए। अगर मैंने ऐसा कहा है तो यहीं पर अपने कपड़े उतार के आपको देता। आपके बगल में बैठ के मणिशंकर ने कहा, आपने विरोध नहीं किया, मेरा तो विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, मणिशंकर आपके बगल में बैठे हुए। सुन लीजिए, ये झूठ है, मेरे बगल में बैठ के उन्होंने कुछ कहा और ना मैंने उसका विरोध नहीं किया। वीडियो है, वीडियो दिखा दीजिए। चलिए आज इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते हैं। नहीं, कार्यक्रम बाद में करेंगे। टीवी चैनल पर मणिशंकर अय्यर आपके साथ टूर पे थे कि नहीं? मणिशंकर मेरे साथ टूर पे नहीं थे जब उन्होंने ये कहा। चलिए हम आपको बात बताते हैं, आपका झूठ यहीं पर झूठ साबित कर देते हैं। आप ले आओ और टेप दिखा दो। मोदी जैसी बात मत करो कि 15 लाख ला के देंगे, अभी आ गया है, आ रहा है, आता है। अरे ये तो जुमला है,
अरे ये जुमला है, नहीं ये बात तो आपके भी हिंदुस्तान के बहुत देखे, 60 साल में इतने जुमले देखे, 60 साल छोड़ी आपकी उम्र 60 साल की नहीं तो आपने कैसे देखे, तो इतिहास तो हमने देखते हैं ना, इतिहास आपकी उम्र तो इतनी है नहीं, बाबर की बात करते हैं आप, आपकी उम्र तो इतनी नहीं कि आपने बाबर देखा है, आप कहते हैं सन्स ऑफ बाबर, मैंने नहीं कहा, सलमान खुर्शीद को, सलमान खुर्शीद को सन्स किसका होने पे, एक बात करो आप, एक सीरियस बात करो तो सीरियस बात करेंगे, ये उल्टी सीधी बात करोगे हम उल्टी सीधी बात करते हैं, नहीं नहीं तो क्या सन्स ऑफ बाबर आपने ऐसे लिख दिया था, सीरियस नहीं थे, सन्स ऑफ बाबर लिखा था क्योंकि वो एक कल्पना है, वो एक प्ले है, और उस प्ले में मैंने ये कहा है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, आपने देखा नहीं सन्स ऑफ बाबर पढ़ लिया चले आए, प्ले देखिए ना भाई, समझिए ना, तो आप तो राष्ट्रपति भवन में रखते हैं गवर्नर्स के लिए, आप तो ऐसे राष्ट्रपति आप तो हमको बुलाते भी नहीं उसमें, क्योंकि उस पे उसके ऊपर जब आर्टिकल आता है तो उसमें लिखा होता है कि सलमान भाई की इच्छा है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे उसके पहले हिंदुस्तान में मुगलों का राज था, तो जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके बाद दोबारा मुसलमानों को मिलना चाहिए, तो फिर ये आप देख लीजिएगा कि वो प्ले में आपने पहले पेज से लेके आखिरी पेज में कुछ नहीं समझा, आप यो कह रहे, आप ये पूछ रहे हो कि आपने किसी ने आपसे बोला कि रामायण, और आपने कहा रामायण किस राम कौन राम है जिसके बारे में रामायण, ये तो कहीं स्पष्टीकरण नहीं आया आपका, आपका तो कहीं स्पष्टीकरण नहीं आया, क्यों आएगा भाई, हजार पेजेस से स्पष्टीकरण क्यों आएगा भाई, तो अभी मौका है ना आप दे दीजिए, नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम ये बोलेंगे आपके मन में जो है, आप कोई जो करना है कर लो, नहीं देंगे, मेरे मन में ये बात है, मेरे मन में ये बात है, बोलने से पहले प्ले देखो और समझो, अगर प्ले नहीं देखा है तो हमसे कहो, हमको हमारे लिए प्ले कर दो और हमारे लिए कहीं पर ये बिछा दो और हम आकर देख लें प्ले, ऐसी बात मत, अगर वो हिंदुस्तान के हित का है ना मैं दिखाऊंगा उसको, विदाउट ब्रेक दिखाऊंगा, सुन लो, अगर वो हिंदुस्तान के हित का नहीं है, अगर वो हिंदुस्तान के हित का नहीं है तो हिंदुस्तान के हित का कोई प्ले नहीं हो सकता, मैं आपको ये दलील दे रहा हूं, देखते हैं, देखो ना, उसमें आप अकबर का महिमा मंडन कर रहे हैं, किन किन लोगों का, अकबर का कर रहा हूं, अकबर का इसलिए कर रहा हूं कि अकबर ने इस देश में एक नई संस्कृति बनाई थी हिंदू मुस्लिम एकता की, महाराणा प्रताप को छोड़ो, अकबर के साथ कैसे छोड़ो, सुनो ना आप यार, अब सुनो, अब आप आपके हीरो कौन है, मेरे, अरे अकबर है या मेरा हीरो बहादुर शाह जफर है, मेरा हीरो बहादुर शाह जफर है, जिसको इस पूरे देश ने कहा था कि भारत की आजादी के लिए अगर एक प्रतीक है तो वो बहादुर शाह जफर है, और क्या कहा था उसने, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम है ना पायदार में, कह दो उन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले चाक चाक दागेदार में, वो आदमी जो रंगून में इस देश की भूमि और धरती के लिए रोता रहा और रोकर ये कहा कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए दो गज जमीन मिली कुए यार में, जिसने इस देश के लिए एक महाराजा एक राजा एक बादशाह इस देश के लिए रोता हुआ जिसने जान दे दी, वो मेरा हीरो है, हिंदुस्तान ने उनको बिठाया था गद्दी पे, आपने खुद माना है, मराठों ने लेके तमाम सारे लोगों ने उनको बिठाया था, सबने मिलके बिठाया, और ऐसा मॉडरेट राजा, ऐसा मॉडरेट बादशाह, ऐसा मॉडरेट मुसलमान, मुसलमानों का नेता क्यों नहीं होता हिंदुस्तान में, क्यों सलमान खुर्शीद जैसे व्यक्ति को भी कम्युनल बयान देने पड़ते हैं, कोई कम्युनल बयान नहीं दिया गया, कम्युनल बयान देखिए ऐसा है, हम आपसे अगर किसी बात में हम आपसे अगर अलग हैं और आपकी किसी बात का विरोध करते हैं वो कम्युनल नहीं हो जाता है, कम्युनल वो होता है मैं हिंदू को बुरा कहूँ, मैं हिंदू को बुरा मानूँ, मैं हिंदू समाज की आलोचना करूँ तो वो कम्युनल होगा, ये नहीं कम्युनल होगा कि मैं ये कहूँ कि इस बात में ऐसे करो, आप कहो इस बात में ऐसे करो, एक आदमी स्पिन बोलिंग करता है, एक आदमी फास्ट बोलिंग करता है, वो तो सारी उंगलियां एक साथ नहीं, एक जैसे नहीं हो सकती, लेकिन बात है, लेकिन केवल मुसलमानों के प्रति ही हमदर्दी, कोई नहीं, आसाराम बाबू के लिए मैंने केस किया था, क्या हुआ उसका, क्या तो हुआ, आपके सरकार ने अंदर डाला, अरे किसी ने डाला हो, मैंने उनके लिए केस किया था, उन पर भी विवाद है, बहुत लोग समझते हैं अच्छे हैं, गुरु हैं, महाराज हैं, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं है, लेकिन मैं ये समझता था किसी व्यक्ति का अधिकार अगर है कि इसमें कानून में उसको अधिकार है कि अगर उसकी उम्र है, अगर उस पर गलत आरोप लगता है तो उसको बेल तो कम से कम मिलनी चाहिए, जब बेल बड़े बड़े उदाहरण, अरे एक उदाहरण दे दिया, अब यहाँ मैं आपको अपना पूरा अपनी केस हिस्ट्री, मुझे नहीं, आप तो हिंदुस्तान को बता रहे, हिंदुस्तान को तो आपके ऊपर इतने सवाल आए हैं, क्या बताएं, आप गंदे लोग, आप गंदे लोगों से दोस्ती करते हो, गंदे सवाल आते हैं, नहीं कैसे गंदे लोग, अरे है ना गंदे राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी नहीं गंदे लोग हैं, ऐसे लोगों के सवाल, वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इस राष्ट्र को तबाह कर देना चाहते हैं,
सवाल अगर आए तो गांधी के सुपुत्र का सवाल आए, सवाल आए तो गोपाल गांधी का सवाल आए, सवाल आए तो तेंदुलकर का सवाल आए, सवाल आए तो अब्दुल हमीद की संतान का सवाल आए, तब मैं पूछूंगा कि हाँ सवाल है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की कोई कीमत नहीं है गांधी छोड़ के? सबकी कीमत है, सबकी कीमत है, सबकी कीमत है। मोदी को मोदी वोट के समय तो किसी का भी वोट चलेगा, मोदी मतलब आपको जब वोट चाहिए तो किसी भी रिक्शा वाले का भी चलेगा, चाय वाले का भी चलेगा, लेकिन सवाल पूछने के लिए आपको गांधी का कोई बच्चा चाहिए, तेंदुलकर चाहिए, सवाल पूछने के लिए आदमी यहाँ खड़ा करो, आपसे हम बात करें ना, आप अगर छुप के हमसे बात करते हैं। हूं तो मैं तो प्रतिनिधित्व करता हूं ना, मैं तो प्रतिनिधित्व करता हूं। झाड़ी में छुप के, झाड़ी में छुप के जो सवाल पूछता है उसका जवाब नहीं देना, ठोक के पूछ रहा हूं, कैमरे के सामने पूछ रहा हूं, इसलिए तो आपको जवाब दे रहा हूं और मिल रहा है आपको जवाब, तो दीजिए ना जवाब। ऐसे भी आपको किसी ने जवाब दिए नहीं होंगे जैसे मैंने दिए। हम तो जो है वो दिखाते हैं, मान लो ऐसे जवाब जो है वो दिखाते हैं। अरे शाम को ये मत सोचना कि यार गलत आदमी को आज हमने ले लिया तो सारा आदमी गलत है या सीधा है, तो हिंदुस्तान की जनता तय करेगी। हिंदुस्तान की जनता तो 50 साल से तय कर रही है, बार बार आप लोगों को ठोकती है, बार बार आप लोग खड़े हो जाते हो। चलिए राजनीतिक विषय में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी आपने मुद्दा उठाया है, तो सोनिया गांधी को आपने जी भारत माता या राष्ट्र माता का कोई दर्जा देने की बात कही थी? कहा था, आज भी मानता हूँ, बहुत बहुत गर्व के साथ मानता हूँ। कोई महिला हिंदुस्तान में दूसरी हुई नहीं जिसको इतना बड़ा दर्जा देना चाहिए। भैया मुझे जो बड़ी दिखी मैंने उनका नाम लिया, आपको मदर टेरेसा दिखी आप मदर टेरेसा का नाम ले दो, किसी और मदर टेरेसा को तो मैं नहीं लूंगा, आप किसी और का नाम ले दो, आप मैं जानता हूँ मदर टेरेसा का नहीं लोगे, आप नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने हमारे देश में आके धर्मांतर किया लोगों का, किसी और मदर टेरेसा को नहीं लूंगा, लेकिन सोनिया गांधी को राष्ट्र माता आप कह रहे हैं, बाटला हाउस में जब बच्चे मारे जाते हैं, आपके हिसाब से बच्चे मेरे लिए देशद्रोही आतंकवादी मारे जाते हैं, तो वो रोती है क्या सीमा पर मरने वाले, सीमा पर हुतात्मा होने वाले भारत के सैनिकों के लिए या कश्मीर में पत्थर खाने वाले भारत के सैनिकों के लिए सोनिया गांधी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आते, जरा ये भी बताइए। आते हैं, आप नहीं रहते हो वहाँ इसलिए, वो तो बताने के लिए नहीं होते ना, हम तो सोनिया गांधी के आंसू देख ही नहीं सकते। इसलिए कि आपको तो वो चाहिए ना जिससे भड़काएं इस देश को, आपको वो नहीं चाहिए जिससे देश को ये लगे कि कितने यहाँ महान लोग हैं इस देश में, आपको तो वो चाहिए, टीआरपी है ना। अब ये बोलो कोई रो रहा है किसी अच्छे काम पर रो रहा है तो कोई टीआरपी नहीं है। आप बताए तो कब रोई सोनिया जी, बताइए। अरे जब भी मैंने उनको देखा है, जितना दुख मैंने उनकी आंखों में देखा है इस देश के गरीब लोगों के लिए, उतना दुख मैंने आज तक किसी की आंख में नहीं देखा, आपकी आंख में भी नहीं देखा। मेरे आंख में तो आप देख भी नहीं सकते, कोई बात नहीं। क्या इसने हद तक जाने के बाद भी कांग्रेस में जो आपकी हैसियत होनी चाहिए थी सोनिया जी को राष्ट्रमाता कहने के बाद भी आज आप राज्यसभा या कोई बहुत बड़े पद पे या कोई इंटरेस्ट आपको फ्लैट में रहना पड़ रहा है, हमको दुख होता है आपके जैसा इतना बड़ा नेता, इतने बड़ा नेता, ये मेरा दफ्तर है, मेरा घर अलग है, फर्रुखाबाद में मेरा घर है, वहाँ मेरा घर है, मेरा अपना बाप दादाओं का दिया हुआ मुझे जो चीज आज है वो मेरे पास है, मुझे और किसी चीज़ की चेष्टा नहीं है, मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे बड़े बड़े महल नहीं बनाने हैं, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं रखनी है, मैं जैसा हूँ वैसे ही खुश हूँ। ये हिंदुस्तान का सबसे महंगा वकील बोल रहा है, ये भी दर्शकों को बता दूं। अरे सबसे महंगा नहीं भैया, मैं सबसे महंगा हो जाता तो क्या बात है, तो क्या बात है। वकील लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं, आप महंगे वकील हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में कितनी भी बड़ी फीस ले, मोटी फीस ले, लेकिन आप वकालत जब दूसरे लोगों की, गलत लोगों की करते, तब लोगों की समस्या आती है। लोगों की क्या समस्या, जब जिस जो जो अपने आप को गलत समझता है जब उसका काम पड़ जाता है तो वो भी आ जाता है। वकील को एक मर्डर का भी केस करना पड़ता है, वकील को एक चोर का भी केस करना पड़ता है। अगर पहले से आप तय कर दें कि चोर है इसका नहीं करूँगा तो फिर वकालत क्या चलेगी। आपने सिमी की भी वकालत की? सिमी की वकालत नहीं की, सिमी के कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की वकालत की। हाँ हाँ, तो जो कल आरएसएस की काम आएगा, ऐसा नहीं है। सिमी से कोई सिमी मतलब की आरएसएस की कैसे तुलना हो सकती अरे है? अरे सिमी और आरएसएस एक जैसे ही है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल कैसे बताए ना, कैसे एक उदाहरण बताइए ना, एक जैसे सिमी इस देश में इस्लामिक स्टेट खड़ा करने के लिए शुरू हुआ हिंदू, और आरएसएस हिंदू स्टेट खड़ा करना चाहते, तो ये हिंदू राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र नहीं, सुन लो मुझसे, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सेक्युलर राष्ट्र है, ये वो राष्ट्र है जहाँ हमने गांधी का हमने यहाँ भजन गाया है, ये वो राष्ट्र है जिसमें भजन गाया, क्या भजन गाया,
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे, सबको दे, और नहीं मिल रही सम्मति। ये भजन है ना, केवल मंदिरों में होता है, हिंदुस्तान की नहीं, मस्जिद में नहीं होता। हिंदुस्तान सलमान भाई किसी मस्जिद में जाकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एक जैसा बोल के दिखाइए, इस्लाम से बेदखल कर देंगे। सुन लो, इस्लाम से निकाल देंगे। अगर निकालेंगे तो मुझ पे पड़ेगी ना, आपको तो नहीं कोई निकाल रहा ना, लेकिन बोल के तो दिखाइए भजन। अरे कहाँ, आप कभी मस्जिद में आके दिखाइए तो बोलेंगे। अरे आप मस्जिद में आओ ना, आप तो गैर गैर हिंदू को, गैर मुसलमान को आने नहीं देते। कौन कहता है मैंने हिंदू को, क्योंकि मस्जिद में नमाज के बाद ऐसे ऐसे भाषण होते हैं, मेरे जैसे को आके क्या कैसे आने देंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, गलत बात करो। आपने कहाँ झूठ का पुलंदा यहाँ अपने अपने इस चैनल पे लगा दिया है। कुछ नहीं होता है वहाँ, सिर्फ एक बात होती है, शांति की बातें होती है। सिर्फ हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सिर्फ ये बात होती है। काश भारत के मस्जिदों में ऐसा होने लगे ना, तो सचमुच ये होने लगेगा। आप अपना दिल साफ कर लोगे, होने लगेगा। अच्छा होने लगे, कल की बात कर रहे, चलो आज तो आप मेरे से सहमत है। आज क्या सहमत है, आज क्या सहमत है, कल होगा ऐसा आप कह रहे हैं ना, आज नहीं हो रहा है ये मैं कह रहा हूँ, तो हमारी दोनों की बातें सच है। गए कहाँ हो यार, जाके तो देखो क्या बात कर रहे हो, जाके तो देखो। हम तो जहाँ भी गए, जहाँ भी सुना, ऐसे चीजें आती है, कहीं नहीं गए। अरे तोबा तोबा, कहीं नहीं गए यार, कहीं नहीं गए। अगर गए होते तो मैं मिलता, आपने तो देखा ही नहीं है कि हिंदुस्तान के लिए जज्बा क्या होता है। वो कहा मस्जिद तो भी होता है, मस्जिद मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारा आपको सिर्फ एक ही जगह दिखता है, हमें पूरे हिंदुस्तान में दिखता है। बड़ी चौंकाने वाली बात है, चलो कोई बात नहीं। अरे तो चौंकाने तो पड़ेगा, पता नहीं किन लोगों के साथ रहते हो, अब अच्छे लोगों से पहली दफा रापता हुआ है। कोई बात नहीं, हाँ बोलो बोलो। आपने एक बात और कही थी जी, सिखों के दंगों के समय जब सिख मारे गए, हाँ। तो आपने कहा कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो मुसलमान मारे गए थे, ये उसी के एक तरीके से पापक शालन है। मैंने ये कहा, लोग समझते हैं ऐसा, पढ़ते नहीं हो ना, आप लोगों को पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, ये लोग ऐसा समझते हैं। मैंने कहा पुस्तक में लिखा, हाँ, पुस्तक मेरे लिखी पास थे, लिखा हुआ है। लोग इस पे लोग इसको लेके आपके प्रति इतना गुस्सा रखते हैं, कुछ गुस्सा रखें, कुछ गुस्सा रखें। मैं तो सिखों के बीच में रहता हूँ ना, आपको गुस्सा होगा, आपको अपनी दुकान चलानी है, सिखों के बीच में रहता हूँ ना, मैं जानता हूँ सिख क्या है, मैं जानता हूँ मेरे सिख कितने दोस्त हैं, मैं जानता हूँ सिखों का कैसा सम्मान मैं करता हूँ। कांग्रेस की पंजाब इकाई ने ही कहा कि ये जो लिखा है वो गलत है। क्या लिखा है गलत है, कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष का प्रेस नोट है। होगा, मैंने लिखा ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। किताब ले आओ, किताब दिखा दो। मैंने ये कहा है कि अगर कोई ऐसा समझता है तो गलत है। आप वकील है ना, तो हर चीज सामने लेके आओ। बिल्कुल आएंगे यार, ऐसे तो एक टीवी इंटरव्यू में आएंगे तो आपके लिए, आपके जैसे वकील में फिर आपको स्टूडियो में बिठा के करते हैं ना। अरे स्टूडियो में चलते चलते, अरे अगला बिंदास बोल में आपको बुलाते हैं, स्टूडियो सारी चीजें आपके सामने, स्टूडियो में भी कर लेंगे, लेकिन आप कोई यहाँ समझदारी की बात करो, अपनी तरफ लुभाओ मुझे थोड़ा सा, तब हम आएंगे आपके आपके स्टूडियो में भी आएंगे, आपसे दोस्ती भी करेंगे। हम तो ऐसे हैं, लुभाने वाले नहीं हैं। अरे ऐसा है, हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा, लुभाने का काम है, ऐसे काम कैसे चलेगा। आपका तो लुभाने का काम नहीं है, सच्चाई से सत्य से इंसान को अपनी तरफ खींचना, सत्य से। अरे सत्य सुना है क्या है, सत्य क्या होता है जानते हो? मुझे तो हंसी आ रही, जनरली मेरे दर्शक हंसते हुए मुझे देखते नहीं, लेकिन आप तो ऐसे अभी गांधी के अवतार, अभी रो मत जाना, अभी रो मत जाना, गांधी के अवतार में आ गए एकदम से। अरे गांधी, अगर कोई गांधी का मुझे एक तुच्छ सा भगत भी बना दे तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन कामयाब है। नहीं बन सकते ना। अरे मैं जानता हूँ, क्योंकि आप राहुल गांधी सोनिया गांधी के भगत बने हैं, उस गांधी के कैसे बनेंगे? अरे आपको राहुल गांधी सोनिया गांधी ना पसंद हो, हमें तो पसंद है, हम तो ये समझते, हम तो समझते। किस गांधी के भगत है आप बताइए, गांधी महात्मा गांधी के या सोनिया राहुल गांधी के? हम उस सोच के भगत हैं, हम उस सोच के भगत हैं जो गांधी पैदा करता है, उस सोच के भगत हैं। आपको गांधी की सोच के हत्या किसने की आपको पता है? गांधी ने की। गांधी ने कहा था इस देश में गौ हत्या बंद करो, कांग्रेस ने गौ हत्या चालू। सबसे पहले कानून किसने बनाए इस देश में गौ हत्या को रोकने के लिए, किसने बनाए? सच्ची बता दो, किसने बनाए कानून इस देश में? और हमारे कानून बनाने के बाद
हमारे कानून बनाने के बाद आज बीजेपी 2 साल से सरकार में है, कहीं कानून बना दिया सारे राज्यों में बनाया, एक जगह महाराष्ट्र सब जगह हमारे बने हुए कानून है, महाराष्ट्र में सिर्फ बनाया है और कहीं नहीं बनाया। अच्छा, केंद्र में मोदी अगर ऐसा कानून लाती है तो आप समर्थन करेंगे पूरा? अरे लाए ना, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हम कहां आदेश दे चुका है, हम कहां मना कर आदेश दे चुका है। अरे हम कहां मना कर रहे हैं, पहले वो लोग जो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा लगाए हुए हैं, पहले उनको मना लो। बिल्कुल, अगर ऐसा करते हैं तो अरे करते हम तो सबका दिखाएंगे। अरे गाय के साथ, अरे आप नहीं दिखाते हो ना। दूसरी बात कही थी गांव की तरफ चलो, नहीं, नहीं। आपने तो गांव छोड़ ही दिया। नहीं नहीं, गांव नहीं, गांव की स्थिति क्या है? गांव नहीं छोड़ दिया, गांव की स्थिति, गाय और गांव दोनों एक साथ अगर मैं बात करूं तो गांव में गाय पाली जाती है, कुत्ते आवारा होते हैं। आज शहरों में कुत्ते पाले जाते हैं, गाय आवारा होती है। हमने देख लिया कि राजस्थान में गाय के साथ आप लोगों ने क्या किया, हमने देख लिया कितनी गाय, कितनी ढेर सारी गाय वहां मरी है राजस्थान में। शर्म करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और वहां के मुख्यमंत्री को इस पाप को भुगतना पड़ेगा। आपने दिखाया? हाँ बिल्कुल दिखाया आपने, ये मैं आपके सामने कैमरे पे बता रहा हूँ कि राजस्थान सरकार को इस पाप, राजस्थान सरकार ने पाप किया और मुख्यमंत्री को हमेशा जल्दी से जल्द रिजाइन करना चाहिए। बोलो, इस पाप के लिए उनको कोई माफी नहीं मिलेगी 100%। बाल्या के पाप के लिए मिल जाती है, इस पाप के लिए नहीं मिलती। वो तो आपके जैसे वकील होते तो मिलती है ना, वो तो आपके जैसे वकील माल्या के लिए खड़े हो जाएंगे। जो मोदी माल्या आपके अप्रोच करे तो खड़े नहीं होंगे आप। माल्या हमारे साथ एमपी थे, हमारे साथ एमपी थे, अगर वो अप्रोच करेंगे तो खड़े होंगे, अगर वो आपको इंटरव्यू देंगे तो आप इंटरव्यू ले लोगे। आपका काम इंटरव्यू लेना, हमारा काम बड़ा आसान काम है। जहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है वहाँ पर प्रोफेशनल हो जाओ, जहाँ पर राजनेता बनना है वहाँ पर राजनेता हो। यही आप करते हो जहाँ इंसान बनना है इंसान बन जाते हो, जहाँ जर्नलिस्ट बनना है वहाँ जर्नलिस्ट बन जाते हो। लेकिन आतंकवादी समर्थक नहीं बनते कहीं ना, आतंकवादी समर्थक तो आप पता नहीं कितनी दफा बन चुके हो। आतंकवादी का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा बार बार आप लोग कहते हैं ऐसा? बेचारे तो वहाँ 72 हुरों के लिए अपनी जान देते और आप कहते कि आप वो मुसलमान नहीं है। 72 हुरों के लिए मर रहे हो तो आप भी आ जाओ यार। हम नहीं मना काम कर रहा है, हम तो इस जमीन पर हमको जो भगवान ने दिया वो कहता हमको यही काफी है, हमको ऊपर नहीं चाहिए, हमको यही काफी है, यही है। इस पे और बात मत कहलवाओ, मर जाओगे इस पर और मत कुछ। मरने से सुरेश चव्हाण के डरता नहीं, इस पर कुछ मत। मरने से सुरेश चव्हाण के डरता नहीं, मेरे धर्म में दोबारा जन्म लेने की भी व्यवस्था है, मैं फिर आऊंगा, फिर लड़ूंगा। आ सकते हो लेकिन चुहा भी बन सकते हो। अच्छी तरह धर्म का पालन नहीं करोगे, अच्छी तरह धर्म का पालन नहीं करोगे तो और भी कुछ बन जाओ। मेरे यहाँ 84 करोड़ योनियों की बात है, मैं 84 करोड़ जन्म लेके दोबारा ही मनुष्य बनूंगा, फिर क्या भारत माता की सेवा करूंगा। अरे फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हमसे क्यों परेशान हो, हम तो चले जाएंगे। परेशानी क्या है आपको पता नहीं, हिंदुस्तान आपको कितने सवाल पूछना चाहता है। अरे हम तो ये इसलिए गुस्सा है, आपको कोई मिला है? ये गुस्सा है आपको कोई मिला है जो ऐसे खड़े होकर सवालों का जवाब दे? कोई मिला अभी तक नहीं। हमको तो आजम खान भी मिले, हमको तो अरे आजम बस खान एक डरपोक है, ओवैसी वो छोड़ के तो सब मिलते हैं, सब मिलेंगे आपको, सब मिलेंगे। आजम खान आपको मिल गए, आपको और क्या चाहिए, इसके बाद आपको किसी सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं। नहीं, लोग फिर भी आपको पूछना चाहते हैं। अरे बड़े पैमाने पे पूछना चाहते हैं। मुझे क्या पूछना चाहते हैं, मुझे क्या पूछना? अच्छा, आप मोदी पे आते हैं क्योंकि क्या है, मोदी के बगैर आपका इंटरव्यू खत्म नहीं होगा। क्यों कैसे होगा, क्यों इतना द्वेष भरा है मोदी के प्रति आपके कुछ, मन में? कुछ नहीं, मोदी ऐश करें, मोदी प्रधानमंत्री काम करते ऐश नहीं। अरे इस हिंदुस्तान का अब तक का सबसे ज्यादा घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री है, और ऐसा प्रधानमंत्री जो जितने घंटे काम करता है उसमें कुछ काम नहीं कर पाता, कुछ काम नहीं कर पाता। स्वच्छ भारत देख लिया, कितना साफ हो गया भारत, कितना भारत साफ हो गया जरा बता दो। ये कि आपके पार्क की तो पत्तियां आप लोग उठा देने और मोदी को दोष देते हैं। अच्छा, और ये आपका पार्क है, इसमें इतनी पत्तियां पड़ी है। दाल की कीमत, ये पत्तियां नहीं गंदगी की बात कर रहा हूँ, उन्हें दिखती नहीं, उनको दिखता नहीं होगा। अच्छा चश्मा लगवा दो उनके, और दाल की कीमत कितनी हो गई है ये पूछ लो, कहाँ क्या काम हुआ है ये बता दो, अगर काम होगा तो हम भी मान जाएंगे। लेकिन इतना द्वेष क्यों, क्या कारण है? कोई द्वेष नहीं है, इतना गुस्सा मोदी के प्रति? मोदी के प्रति गुस्सा नहीं है, मोदी अच्छी अच्छी बात करें, सच्ची सच्ची बात करें, उनको पूरा उनका स्वागत होगा। आप तो कहते हो बहुत अच्छी बात करते हैं। कहाँ अच्छी बात करते हैं, आपने तो कई बार कहा है कि बोलने में बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे मैंने कभी नहीं कहा, दुनिया कहती होगी, मैंने कहा कि वो उनको एक बात है, उनको बोलना नहीं आता, प्रधानमंत्री को लाल किले से जैसे भाषण करना चाहिए। आपने कहा उन्होंने अपने काम का ऑडिट रिपोर्ट दिया, आपका बाइट में देख रहा था, ऑडिट रिपोर्ट दिया किसी सीए की तरह।
तो भाई हिंदुस्तान को क्या चाहिए? आपने कोई ऐसा आदमी बिठाया जिसके हाथ में देश दिया है, वो हिसाब दे रहा है अपना एक एक काम का, इससे ज्यादा क्या है? आपके जैसा करेंगे देखेंगे, गोल 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 बातें बता के क्या फायदा है? कितनी देर में टिकट मिलेगा, कितनी देर में पासपोर्ट मिलेगा, कितनी देर में पानी आ जाएगा, कितनी देर में बिजली आ जाएगी, बट ये नहीं बताया कि मैं 15 लाख नहीं दिला पाया। देखिए वो तो और ये वाले विषय पे बताइए, देश का प्रधानमंत्री ऐसा हिसाब देता है, ऐसा पहली बार हुआ है लोकतंत्र में। अभी इस देश के गरीब को आप क्या दे सकते हैं? टिकट छोड़ के, पानी छोड़ के, अभी वो बहुत हिसाब उनको देने होंगे आगे। वो तो 3 साल जनता भी लेगी, हम भी लेंगे, जो उन्होंने आश्वासन दिए थे लोगे। सच्ची बात, बिल्कुल। अच्छा ये बता दो, हिंदुस्तान के प्रतिनिधि है। अच्छा ये बता दो, आप हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हो, ये 80% गौ रक्षक जो है वो गुंस हैं, वो गुंडे हैं। हम इस विषय पर प्रधानमंत्री से सहमत नहीं है। प्रधानमंत्री का ये अनुपात गलत है। चलो 20% भी खराब नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी माने तो प्रधानमंत्री उल्टा बोले हैं। बोले ना उल्टा। हाँ। तो बस हम यही चाह रहे थे कि सीमा ढोक के बता रहा हूँ, और ये कम से कम 10वें कार्यक्रम में बोल रहा हूँ। हम बस यही चाह रहे थे कि यही बता दो, और प्रधानमंत्री इस पर आपसे क्या कहते वो भी हमें बता देना। तो अभी तो बोलिए कि हमारे में हिम्मत है सच बोलने की। किस में? अभी जो बोल रहा हूँ आपके सामने। सच बोलने की हिम्मत आप में है, लेकिन एक प्रॉब्लम आप में ये है कि सच पूरा समझ नहीं पाते हो, तो जो समझते हो वो बोल देते हो। इरादा तो नहीं है। इरादे आपके नेक है, नहीं तो मैं आपसे कैसे बात कर रहा होता। चलिए इसके लिए तो आभारी है, इसके लिए तो आभारी है, लेकिन लेकिन हिंदुस्तान की जनता को आपके इरादे नेक लगे, इसके लिए कुछ करिए ना। इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं, आप और हम दोनों चलें। कहाँ? आप और हम दोनों चलें और सरहद पार करके पाकिस्तान, और पाकिस्तान और गोली चलाते हुए जाएं। कहीं पर भी जाना हो तो पाकिस्तान जाने की बात की। अच्छा, और कहाँ पे हम हमला करना चाहते हो? चीन पे करना चाहते हो? चलो जहाज को। और आपको हमला करने की जरूरत नहीं, इस देश की सेना को हाथ खुले छोड़ दीजिए। नहीं, सेना संसद में खड़े होकर उनके हाथ की बंदूक मत छीनिए। मैं कहता हूँ पत्थर मार रहे ना, मैं ये कहता हूँ उनके हाथ की बैलेट गन छीनने के लिए भाषण मत दीजिए। मैं ये कहता हूँ भाषण नहीं, आप और हम दोनों चलेंगे, दोनों गोली खाएंगे। चलो, अरे हम तो तैयार हैं। अरे चलो यार, हम तो अभी गाड़ी में बैठने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ कोई देश के सैनिकों को, कोई एडिटर अपॉइंट, अरे यहाँ कोई एडिटर अपॉइंट कर दो जो आपकी तस्वीर तो दिखाता रहे, जब आप चले जाओगे वहाँ कुछ हो जाएगा। जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत, सुदर्शन ईश्वरी अवतार से शुरू हुआ है, वो चलता रहेगा। मुझे आपसे सहानुभूति है, किसी को अपॉइंट कर दो, इन्हें कर दो, किसी को कर दो, चलते तो रहा है। चिंता नहीं है। अरे चलो चलो, लेकिन सैनिक के हाथ की बंदूक मत छीनिए। आज सैनिक के हाथ की बंदूक मत। आज मरने की तमन्ना है, आज चलो आपके साथ मरेंगे, और खून दोनों का मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, हिंदू मुसलमान का खून, के गंगा जमुना का जैसे खून मिला का पानी मिला करता है। फिर उसके बाद कोई किसी किस्म का, ये मुझे कभी समझ में आया कि मुसलमानों ने जमुना कब से अपने ली? जमुना कैसे ली? गंगा जमुना जब नहीं, नहीं, हमारी तो गंगा है। तो मुझे समझ, हमारी तो गंगा है, जमुना आपकी है, गंगा तो हमारी है। अरे बनारस गया था, वहाँ लोग गंगा के पानी से वजू करते, नमाज पढ़ते, भाई तो गंगा हमारी हो गई। हाँ, गंगा हमारी हो गई। अच्छा, ये ऐसा अगर सोच रखे तो अच्छी बात है। ऐसी ही सोच है, आपको तो लोग भड़काते रहते हैं, मेरी सोच तो ऐसी ही है, और कैसी सोच है? सोच तो हमारी ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, और आप मिलते रहोगे तो आप भी ठीक हो जाओगे। कहीं कांग्रेस निकालने दे, इतने ठीक हो जाएंगे आप। आज मेरे साथ इतना इतनी सारी चीजें आपने आज स्वीकार कर ली। चलो, राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे, यूपी इलेक्शन आने वाले हो जाए। सोच रहे कि आपको यूपी इलेक्शन हो जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक यूपी इलेक्शन विषय निकला है तो बात कर ले। चलते चलते आप इतना दिल खोल के बात कर रहे हैं आज। जी, मुझे लगा था कि आपके जैसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का सीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। नहीं भाई, कहाँ शीला दीक्षित, रिटायर्ड। बीजेपी ने 75 साल पूरे होने पे अपने महिला मुख्यमंत्री को गद्दी से उतार दिया, और आपने कुर्सी पे लाके बिठाया। वो आयु की वजह से उतारा है। हाँ, तो और क्या, आयु की वजह से उतारा है या वायु की वजह से उतारा है? सारे 75 वाले रिटायर हो रहे हैं। अरे 75 वाले रिटायर हो रहे हैं। कलराज मिश्रा, अरे हमको इसलिए नहीं बनाया कि आपकी आवाज नहीं आई, आपने कहीं ये नहीं कहा कि जय जयकार हो सलमान का, तो इसलिए जिसके पास भारत माता का जय जयकार, जिसके पास जय जयकार होगा, भारत माता की जय जयकार तो मैं 10 दफा कर दूं, 10 दफा कर दूं, करता हूं और करूंगा और करता रहूंगा। लेकिन एक बात है, जो भारत माँ का पर कलंक लगाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनको वैसे ही उनका पर्दाफाश करें जैसे आपने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का किया। हमने ओबीसी का किया था, वैसे भी करो। सबसे ज्यादा कार्यक्रम इस देश में अगर हिंदुस्तान में किसी चैनल ने किए होंगे तो हमने किया। करो। आप बोलते नहीं ना ओबीसी के खिलाफ। मैं क्यों बोलूं? क्यों बोलूं? मेरे सामने आएगा, मैं बोलूंगा। जैसे आप मेरे सामने आए, मैं आपसे बोला। मैं देखिए, ऐसा है, सड़क पे खड़े होकर चिल्लाता नहीं हूँ। मेरे पास कोई आता है, मैं बोल देता हूँ। आप आओगे, मैं बोल सारा मीडिया आपके पास आता है। आज तक एक स्टेटमेंट आपका ओबीसी के खिलाफ नहीं है। मुझसे मीडिया वही पूछता है जो वो पूछना चाहता है, जैसे आप मुझसे वही पूछ रहे हो जो आप पूछना चाहते हो।
मीडिया तो सिर्फ वो पूछते हैं जिससे उनका काम बन जाता है, उतना पूछते हैं और भाग जाते हैं। चलिए आज क्या हमारे पास 30 मिनट है, भारत बचाने आए हो 30 मिनट लेके, उसके लिए तो जिंदगी है और जन्मो जन्म है। चलो शो का टाइम 30 मिनट है, अच्छा हिंदुस्तान के लिए तो लाइफ टाइम है। अच्छा शो खत्म, सब छोड़ के आए हैं, शो खत्म सब छोड़ के आए हैं, सब छोड़ पीछे जाने का रास्ता बंद करके आए। शिवाजी महाराज कहते थे बिल्कुल अगर किला फतह करना है तो वापसी का रास्ता, वापसी का रास्ता नहीं, इसलिए हमारे हीरो शिवाजी है, बाबर नहीं है, ठीक है, और इसलिए उस होना रास्ते पर जाएंगे। आपका बाबर नहीं होना चाहिए, बात तो अकबर की हो रही थी, आप बाबर पे कहां पहुंच गए। आपने बहादुर शाह जफर की ओर चले। हम कार्यक्रम के आखिर में हाँ जी आपसे, क्योंकि आपने तो आप वकील हो, रेनाउंड वकील हो, महंगे वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, तो आपने तो ऐसी संभावना रखी है कि अगला इंटरव्यू और होना चाहिए पूरे साक्ष्यों के साथ। इसलिए आज के इंटरव्यू में थोड़ा हिंदुस्तान को आश्वस्त करिए ना कि आने वाले दिन कम से कम आपके कारण खराब नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के आपको पंजाब में समर्थन देना है इसलिए आप उसको भूल रहे हैं। कहाँ भूल रहे हैं, तो नाम लिया उसका आप जरूर भूल गए तो नाम ले रहे हैं। हिंदुस्तान को क्या कहेंगे इंटरव्यू के, सलमान खुर्शीद हिंदुस्तान को ये कहेंगे कि तुम अच्छे हाथों में रहो, अच्छी सोच सोचो, अच्छी बात करो, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाओ और हिंदुस्तान को कोई कहीं कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान के लिए हम हमेशा हमेशा तैयार हैं, हमारा खून पसीना हिंदुस्तान के लिए है, बस इस खून में कोई गंदा खून मत मिलने देना। बिल्कुल, और यही आशा हम करते हैं कि ये केवल कोई भाषण स्टाइल का स्टेटमेंट ना रहे और प्रत्यक्ष समाज के लिए आप काम करने दिल में से बात करो। हम जैसे लोगों को दिल से बात करें, दिल से सपोर्ट करें। आपने टाइम निकाला, चलते चलते माए हम आपके आभारी। नमस्कार।